दो हजार बाईस नया साल आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाओं के साथ बहुत खुशियों के साथ और बहुत सारी आशीषों के साथ मुबारक हो सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विदे देश प्रेयर

और इसलिए अपने हृदय को तैयार करें क्योंकि परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से इस 2022 में अपने वचन के जरिए आपसे बात करना चाहता है अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर वन वर्स फिफ्टी द बाइबल थिंग्स इन यूर लाइफ दिस ट्वेंटी ट्वेंटी टू और योना के इंजील उसका एक उसका पचास और इक्यावन के अनुसार परमेश्वर कहता है कि इस नए साल में तुम पिछले साल के तुलना में अधिक अद्भुत चीजों को देखोगे अकॉर्डिंग टू जॉन 14:12, ट्वेल्व द बाइबुल दिस न्यू ईयर यू आर गोइंग टू डू ग्रेटर थिंग्स फॉर गॉड्स ग्लोरी एंड गॉड्स किंगडम और योना के इंजील चौदह बारह के अनुसार परमेश्वर कहता है कि इस नए साल में आप ज्यादा विश्वास के साथ आश्चर्य और महान कामों को परमेश्वर में देखोगे सो लेट अस थैंक गॉड फॉर द ग्रेट ब्लेसिंग यू आर गोइंग टू सी द ग्रेटर थिंग्स द मिरेकल्स द वंडर्स द माइटी थिंग्स यू आर गोइंग टू सी द सेम वे गॉड इज गोइंग टू यूज यू इन अ यूनिक वे यू आर गोइंग टू डू ग्रेटर थिंग्स फॉर गॉड्स ग्लोरी वेयर एवर यू आर इन योर बिजनेस इन योर मिनिस्ट्री इन योर Job, whatever you are doing, God is going to use you in a unique way. You are going to do greater things for God's glory. और सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आप जहाँ कहीं भी रहे आपके व्यवसाय में आपके काम में आपकी सेवकाई में परमेश्वर अद्भुत रीति से इस बार आपको इस्तेमाल करने जा रहा है आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखने पाएंगे उसके महान कार्यों को अपने उपस्थित उसकी उपस्थिति में अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे i know personally some people they lost their child during their childbirth they are in tears after christmas between these five to six days many unwanted unexpected things are happened in many people's life many are not alive to see this new year but dear friends the god who is cares for you He is going to wipe away every tears. This 2022, the Lord is going to restore everything back. All your sorrows are going to be turned into joy. You are going to see greater things for God's glory. और इस 2021 में जो गुजर गया बहुतों ने अपनों को खो दिया मैं व्यक्तिगत रीति से ऐसे परिवारों को जानता हूं जिन्होंने अपने छोटे बच्चों को भी इस साल खोया और मैंने ये देखा कि क्रिसमस के बाद ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो अपेक्षित नहीं थी और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2022 में परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करने जा रहा है परमेश्वर उन तमाम चीज़ों को जिन्हें आपने खो दिया है अद्भुत रीति से आपको वापस करने जा रहा है वो आपके आंसुओं को आनंद में बदलने जा रहा है और बहुत महान रीति से वो आपके जीवन में काम करने जा रहा है the lord is going to make you to able to see the greater things your spiritual eyes will be open this year 2022 all the time you will see the heavenly vision and dreams you will see the greater things very personally the lord want to speak to you guide you direct you and you are going to understand many spiritual mysteries of god and the lord will Take you into the heavenly realms and understand many new things.

Way in your personal life, in your business, in your job, in your ministry, the Lord will use you. Ever before, you will not be the same. The year, the past years, the Holy Spirit is going to be so close. You are going to be full of the Holy Spirit all the time, and you will do greater things for God's glory. और जैसा पिछली बार हुआ था वैसी सारी चीजें आपके जीवन में नहीं रहेंगी आप पिछली बार से कहीं ज्यादा परमेश्वर की सेवकाएं में अपने पर्सनल अपने व्यक्तिगत जीवन में और प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे और आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलने पाएगी अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर will वर्स द बाइबल heaven. और उसका एक, उसका ऐसा कहता कहता है मैं तुमसे सच कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को मनुष्यों के पुत्रों पर नीचे आते और ऊपर चढ़ते देखोगे बिकॉज यू विल बी फुल्ड द होली स्पिरट होल दू All the time, the 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 time gods, angels, the saints of God, the heaven will ascend and and descend from your life and in, from your your life home. आप यीशु मसीह से और पवित्र आत्मा से पूरी तरह से जुड़े हुए रहोगे इसलिए आप परमेश्वर के पुत्रों को और उसके स्वर्गदूतों को अपने ऊपर उतरता और फिर ऊपर जाता हुआ देखोगे so now very short we are going to meditate how it is going to be possible how it is going to be fulfilled the great promises given by god you are going to see greater things you are going to do greater things how it is going to be happen और बहुत ही छोटे अंतराल में हम इस विषय इस विषय पर इस वचन पर मनन करेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि परमेश्वर का वो वायदा जो उसने हमसे किया कि तुम अपने जीवन में बहुत सारे नए और महान कार्यों को देखोगे ये कैसे हो सकता है सो इफ यू आर रीडिंग जॉन चैप्टर वन वर्स एंड थर्टी जॉन चैप्टर थर्टी नाइन

The question they raised before met Jesus, that means before experienced Jesus, they treated Jesus Christ as a common one. Common Rabbi, that means the teacher, the Bible teacher. Rabbi, where you are staying? और जब हम इस सवाल पर गौर फरमाते हैं तो हमें ये बात ये बताती है कि ये यीशु मसीह को शायद बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे और उन्होंने उस वक्त यीशु मसीह के चेलों ने उस वक्त यीशु मसीह को एक साधारण धर्म गुरु की तरह समझा होगा और उन्होंने उसे रब्बी कहा क्योंकि रब्बी का अर्थ ही होता है शिक्षक और उन्होंने पूछा हे hey, रब्बी तो कहाँ रहता है so the verse 39, Jesus

they are new their spiritual eyes are opened they started uh, give the testimony about jesus christ we found messiah the anointed one the christ और जब आप इसी यहुन्ना के आगे पढ़ोगे उसके पहले अध्याय के 41 में पढ़ोगे तो वो यीशु मसीह के साथ गए और वहां उनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा और 41 में वो कहते हैं कि उनकी आंखें खुल गई उनकी आत्मिक दृष्टि खुल गई और उन्होंने कहा हमें फुल्ली स्ट्रेंथ द नॉइंटिंग अपॉन जीसस क्राइस्ट वॉज ट्रांसफॉर्मड ऑल द नेगेटिविटीज गॉन ऑल द डाउट गॉन द

You may have the doubt like the disciple of John the Baptist. You may gone through many difficulties. You may lost your businesses. Many things happened in your life. You may gone through the 2021, 20, but today, the 2022, you are going to stay with Jesus all the time. The, Jesus Christ is going to be the head of your family. All the time He will be with you. He is going to be the Boss, over your business, he is going to be your business partner, and everything. You are going to be restore everything back. The anointing of the Holy Spirit is going to be come upon you. You are going to see Jesus Christ, the Anointed One, the Messiah, face to face. मेरे प्यारे मित्रों हो सकता आज आप भी उसी संशय की स्थिति में हो जिसमें उसके चेले गुजर रहे थे लेकिन इस 2022 में परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन पर अपना अधिकार लेना चाहता है वो आपकी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है वो आपके जीवन से बात करना चाहता है वो चाहता है कि आप इस बात का अंगीकार करें कि आपने भी उस मसीहा को जो अभिषिक्त है उसे अपने जीवन में पा लिया है वो आपके जीवन की एक परेशानी एक रुकावट हरेक बाधा को आप में होकर आपकी जिंदगी से दूर करने आया है दिस न्यू ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू यू ग्रेटर थिंग्स स्टेइंग विद जीसस क्लोजली दिस ईयर ट्वेंटी टू यू विल डू ग्रेटर थिंग्स बाई स्टेइंग पर्सनली विद जीसस वेरी क्लोजली एंड द लॉर्ड विल यूज यू और इस 2022 में जब आप परमेश्वर के साथ एक संबंध में बढ़ते जाएंगे आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ देखेंगे जब इस 2022 में आप परमेश्वर के साथ बढ़ते जाएंगे आप अपने जीवन में अद्भुत बातों के अनुभव करेंगे और इस नए साल में परमेश्वर अद्भुत कामों को आपके जीवन में करने जा रहा है Come and stay with me from today onwards. I am your eternal father. I am your caring father. I am your richest father. I want to supply all your need. All you are gone through troubles. All you are gone through disappointment, sorrows, worries, losses. Come to me. Come and stay with me. I want to. Open your understanding. I want to open your blessing this new year. You are going to see greater things. You are going to do greater things for God's glory. और इस नए साल में वो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है मेरे प्यारे बेटे मेरे प्यारे बेटियों मेरे पास आओ मैं तुम्हारा वो अनादि काल का पिता हूँ मैं तुम्हारा वो शांति देने वाला पिता हूँ मैं तुम्हारा वो पिता हूँ जिसके लिए सब कुछ सक्षम है मैं तुम्हारे हर एक उस बात को जो तुमने खो दिया है मैं तुम्हारे हर उस बात को जिसमें तुम हार गए हो मैं तुम्हारे जीवन के हर उस बात को जिसमें तुम्हें निराशा ने पकड़ लिया है मैं तुम्हें उन तमाम चीज़ों से नजात दिलाऊँगा इस नए साल में मैं तुम्हारे जीवन से कार्यों को करने जा रहा हूं मैं तुम्हारे जीवन से सफल करने जा रहा हूं जिनमें तुम थक कर बैठ गए हो यू आर स्टेस नियर हाउ मेनी ऑफ यू आर वेटिंग फॉर यूर मैरिज यूर लाइफ पार्टनर वेटिंग फॉर यूर गुड जॉब यूर बिजनेस रेस्टोरेशन यूर डेब्स लोन शुड बी क्लियर यूर कोर्ट केसेस All your expected miracle, all your expected end, the gift of child blessing, everything is going to be come to you. You are going to see greater things. You are going to do greater things for God's glory. और इस साल में वो सारी बातें जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की है परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करने जा रहा है आप में से बहुत है जो अपने लिए योग्य जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं बहुत है जिन्हें संतान की प्राप्ति की इच्छा है परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां खो दी हैं और नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं परमेश्वर आप में से प्रत्येक के जीवन में अपने अधिकार को लेना चाहता है बस शर्त कि आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन में बढ़ते जाएं। यू आर गोइंग टू स्टे विद जीसस यू आर गोइंग टू स्टे विद जीसस क्लोजली विल पर्सनली नो हाउ द द स्ट्राइव अपॉन द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट You will experience, understand the reality. And you will start to grow more in the Lord. Your prayer life will be changed. Your Bible reading time will be changed. Whenever you read the Bible, the Word of God will be full of revelation to you. You will enjoy. You will go inside the depths of the Holy Spirit. And you will understand the full of the, the fullness of the God's glory. And you will go inside Jesus. and everywhere the green pasture and still waters are waiting for you और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रखेंगे आप जब परमेश्वर की उस निकटता में बढ़ेंगे आपको यीशु मसीह के उन जख्मी हुए बदन पर और वो कोड़े खाए हुए शरीर का आप अनुभव करेंगे आप जब उस दर्द का अनुभव करेंगे तो आप जान पाएंगे कि वो यीशु मसीह सच में आप पर कितना अनुग्रह करता है और वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है जब आप उन चीजों को जानेंगे आपका प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा आपके वचन मनन का जीवन बढ़ जाएगा आप अपनी प्रार्थना के जीवन में और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अधिकाई से ज्यादा से ज्यादा बढ़ने पाएंगे और परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको उन हरी हरिचराय में और उन बहते हुए जल के शोतों के पास लेकर जाएगा वेन यू आर स्टेइंग विथ जीसस यू विल नो पर्सनली द माइटी पावर द ग्लोरियस थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिब्रू वर्स चैप्टर वर्स ट्वेंटी टू और इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है जैसा बारह के बाईस और चौबीस में लिखा हुआ है उस अनुसार आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर कैसा है और आप परमेश्वर की निकटता का अनुभव करने पाएंगे दिस ईयर द लॉर्ड इज गोइंग टू गिव यू द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ग्रेटर स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू अकॉर्डिंग टू दिस टू और इब्राह 12 उसका 22 से 24 में जैसा लिखा है उस अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत ही आत्मिक उन्नति देने जा रहा है एक ऐसी अद्भुत आत्मिक समझ को आपके लिए परमेश्वर खोलने जा रहा है जो आपकी समझ से परे होगी विदसस यू क्लोज टू द माउंट एंड दिटी ऑफ द लिविंग गॉड दी जरूसलेम दूमरेबल Great crowd of the company of angels, you will come close to the General Assembly and the Church of the Firstborn who are registered in heaven, to God the Judge of all, the spirits of just men made perfect, Jesus the Mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things. than that of able और जब आप परमेश्वर के नजदीक आएंगे तब आप, आप उस सियोन के पर्वत पर उस जीवित परमेश्वर के नगर में उस स्वर्गीय यरूशलेम के पास स्वर्गदूतों के असंख्य दल के साथ और उस महासभा में पहिलौठो की कलीसियाम के नाम पर जो स्वर्ग में लिखे हुए हैं और वो सारे जो न्याय परमेश्वर के साथ है सिद्ध मनुष्यों की उपस्थिति में उनकी आत्मा के लिए नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के लिए और उस पर छिड़कने वाले लहू को जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है आप उसके नजदीक आएंगे गॉड यू वेरी पर्सनली गॉड वॉन्ट टू चूस यू गॉड वेड एंड मेक यू होली You are going to be all the time with Jesus. You are registered by heaven to do great things, to see great things for God's glory. और परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन को अपने अधिकार में लेना चाहता है वो आपके पैम आपके आपकी पेशानी पर वो निशानी देना चाहता है जिससे आप उसके लिए पवित्र चाहता आपको अपने लिए कर लेना चाहता है वो चाहता है वो आपके जरिए अपने आपके जीवन से अद्भुत कामों को करेंटर टू अगेन एंड अगेन दिस इज दिन यू आर गोइंग टू डू फॉर गॉड्सोरी इन दिस इन दिस इटी ट्वेंटी और जब कभी भी आपको मौका मिलता है आप नबी की पुस्तक उसका दो जरूर पढ़े, क्योंकि ये जो वचन लिखा हुआ है, ये अंत के समय के उस के समय उस लिए लिखी गई है जो आपको करनी है the secrets of heaven में जुड़ता है। उसके साथ बने रहने की कोशिश करता है परमेश्वर अद्भुत रहस्यों को उसके सामने खोलने जा रहा है और परमेश्वर अपने दूसरे आगमन के लिए खास कर उनके तमाम रहस्यों को उनके सामने खोलने जा रहा है ऑलरेडी द हेवन द एंजल्स ऑफ गॉड द ऑफ गॉड कमिंग एंड गोइंग एंड प्रिपेयरिंग द वे फॉर द सेकंड कमिंग इफ यू आर ऑल द टाइम स्टे विद जीसस यू विल पर्सनली अंडरस्टैंड हाउ द हेवन इज बिजी दिस 2022 हाउ द प्रिपरेशन प्रिपरेशन इन हेवन इज गोइंग टू बी हैपन फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और आकाश खुला हुआ है परमेश्वर के स्वर दूत ऊपर जा रहे हैं है और नीचे उतर रहे हैं स्वर्ग बहुत व्यस्त है और जब आप परमेश्वर के नजदीकी में रहेंगे आपको तब समझ में आएगा कि सच में चीजें कितनी अद्भुत रीति से और कितनी व्यस्तता के साथ चल रही हैं अकॉर्डिंग टू जोएल चैप्टर 2 वर्स 2 यू आर द यूनिक पीपल यू आर द चूज्डन पीपल यू आर द ग्रेट एंड स्ट्रांग

For the entire ministry, all the time the holiness of God will surround you. All the time you will be with Jesus and you will understand many things and you will be do me anything for god's glory और आपकी पेशानी पर हर वक्त ये लिखा रहेगा कि आप पवित्र हैं और आप परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ते जा रहे हैं आप हर निरंतर परमेश्वर की सेवकाएं में अपने आप को देने वाले होंगे और निरंतर उसकी उसकी, स्त, उसकी स्तुति के लिए और उसके उस नए आगमन की तैयारी के लिए उसके रास्तों को बनाएंगे you are chosen by god to be the partaker of the God's camp, as written in Joel chapter 2, verse 11, the Bible says, Lord gives voice before his army, for his camp, his army camp, his secret camp for the end time ministry is very great. और जैसा योयोइल की पुस्तक उसका दो में लिखा है, 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 आप आप परमेश्वर के के चुना हुआ समाज होंगे और की की उस सेना सेना करेंगे, उसके आगे 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 चलेंगे जैसा वचन लिखता है, यहुआ अपनी वाणी को देता है, क्योंकि उसकी छावनी बहुत बड़ी है नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रेयर The kind of a same prayer for the whole year. It is going to be changed. Your spiritual life is going to be changed. During your family prayer time, the heaven will come. The Holy Spirit will send the heavenly glory. The angels of God will come. They will prepare you and use you. You will see greater things. You will do greater things for God's glory. व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर आप में से प्रत्येक से आज बात करता है आप में से प्रत्येक को परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आशीषित करने जा रहा है आपका प्रार्थना का जीवन बदलने जा रहा है आप जिस तरह पहले प्रार्थना किया करते थे वो सारी चीजें बदल जाएंगी जब आप एक परिवार के रूप में बैठ कर प्रार्थना करोगे वो स्वर्ग आपके साथ नीचे उतरेगा वो स्वर्ग दूत आपके साथ रहा करेंगे वो पवित्र आत्मा आपके साथ बातें किया करेंगी और आपके साथ परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा According to Joel 2:11, your home, your house is going to be the secret heavenly camp for the end time. You will prepare from your home through prayer. All the time, prayer, prayer. The heaven will be open, the angels of God will come. Many saints will come and they will talk to you, they will speak to you, they will guide you, direct you how to prepare the world for the second coming. और यो एल दो ग्यारह के अनुसार परमेश्वर आपके घर को एक छुपा हुआ स्थान अपने लिए बनाने जा रहा है जा और पवित्र आत्मा आपको दिशा निर्देश देंगे कि उस दूसरे आगमन की तैयारी के लिए कैसी चीजों को करनी है किन बातों को करना है और किन कदमों को उठाने की आवश्यकता है हाउ इफ एनी वन ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट इज गोइंग टू विजिट अनदर नेशन दैट पर्टिकुलर नेशन सीक्रेट एजेंसी विल गो before three years, before many years, they will go for the preparation for their president coming. dear friends, our king of kings and the lord of lord, he is going to be come back. he is going to already. the heaven is the time of the preparation. this 2022, the lord is going to keep you all the time. you will be stay with jesus. and you will understand the. heaven the move of the heaven and you will be used to by the lord the lord is going to open your spiritual eyes you are chosen by the lord this year 2022 और जैसा किसी देश का राष्ट्रपति जब किसी और देश में यात्रा करने जाता है तो वो राष्ट्रपति उस देश में जाए इससे पहले उसके पीछे बहुत सारे गुप्त लोगों को भेजा जाता है एक संगठन को भेजा जाता है जो वहाँ जाके खुफिया तौर पर वहाँ आने वाले राष्ट्रपति की तैयारियों को देखते हैं और उसके बाद वो राष्ट्रपति उस दूसरे देश में अपनी यात्रा को सुनिश्चित करता है मेरे प्यारे मेरे प्यारे मित्रों हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है वो भी अपने दूसरे आगमन को देने जा रहा है और वो चाहता है कि हम उसकी तैयारी में जुट जाए स्वर्ग अपनी तैयारी में व्यस्त है और जब हम परमेश्वर के साथ उसकी तैयारी में जुटते हैं तो वो पवित्र आत्मा और स्वर्ग की बातें हम पर खोल देता है और हम उन चीजों को रूबरू और मुखातिब देख पाते हैं और हम समझ पाते हैं कि हम उस दूसरे आगमन के लिए अपने आप को और लोगों को कैसे तैयार करें इन टाइम मिनिस्ट्री द लॉर्ड इज गोइंग टू यूज यू

Full of prayer, the anointing prayer. All the time you will be fully empowered and equipped by God. The Holy Spirit will move you. You will be walk with the Holy Spirit. You will be move with the guidance of the Holy Spirit. You will be fly with the wings of the Holy Spirit. You will be taken by the Spirit of God from one place to another place. Written in Joel chapter 2. और जैसा कि योयल योएल नबी की पुस्तक दो ग्यारह में लिखा है आपका घर एक ऐसा गुप्त स्थान बन जाएगा जहां से वो सारी योजनाएं, वो सारी बातें परमेश्वर आपके ऊपर खोलेगा आप बहुत ही अद्भुत रीति से एक जगह से दूसरे स्थान तक यात्रा करेंगे और बहुत अद्भुत रीति से आप चीज़ों को होता हुआ देखेंगे ठीक उसी रीति से जैसा योएल की पुस्तक दूसरे किताब में लिखी हुई है

Your spiritual life, your prayer life will be all the time remembered by heaven. You will be surrounded by the mighty presence of the Holy Spirit all the time. Oh,

The gifts of the Holy Spirit is coming. All the spirit of weaknesses are leaving you. No more sickness. No more any kind of unwanted problem. You are filled with the God's presence right now. Oh, this is my wife. take a आपके अंदर अब कोई कमजोरी नहीं कोई ऐसी बात नहीं जो अनछाही हो कोई बीमारी नहीं कोई दुख नहीं कोई तकलीफ नहीं वो सारी चीजें आपके जीवन से जा रही हैं वो सारी चीजें अब शेष नहीं रह गई और अब पवित्र आत्मा का अधिकार आपके जीवन पर है द ग्लोरियस प्रोफिटिकल इज कमिंग अपॉन यू रिसीव द ऑफ प्रोफेसी यू आर गोइंग टू प्रोफेसी ऑल द 24 आवर्स यू आर गोइंग टू प्रोफेसी द ग्रेटनेस ऑफ गॉड यू आर गोइंग टू

आप अद्भुत रीति से भविष्यवाणियों को करेंगे ओ परमेश्वर से जुड़ी बातों को आप भविष्यवाणी के रूप में देखेंगे ओ परमेश्वर का वो भविष्य की वो आत्मा आप पर अद्भुत रीति से उतर रही है आप चौबीस घंटे भविष्यवाणी को करने पाएंगे और वो पवित्र आत्मा आपको भविष्यवाणी के नए नए चरणों पे ले जाएंगी ऑल इवर इम्पॉसिबल थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉसिबल दिस न्यूर ट्वेंटी ट्वेंटी टू इस दो हजार बाईस नए साल में हर वो काम जो आपके लिए असंभव है वो संभव हो जाए और आपकी हर वो प्रार्थना जो अनचाही है है, और अनसुनी रह गई जो अभी तक सुनी नहीं गई और उत्तर नहीं मिला हर रोज प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देने जा रहे family. एंड यूर हाउस होल्ड विल serve द लॉ ओ परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आत्मा आपके ऊपर उतर रही है वो अपने उद्धार की आत्मा को आपके और आपके परिवार को दे रहा है आप और आपका घराना परमेश्वर की सेवा करने पाएंगे ऑल यूर पेंडिंग प्रेयर प्रेयर्स दिस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू आपकी हर वो प्रार्थना जो अभी तक जवाब नहीं मिला है इस 2022 में आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलने जा रहा है ऑल द टाइम दिस न्यू ईयर you are going to stay with Jesus you are going to sit with Jesus you are going to be walk with Jesus all the time the spiritual grace will be upon you all the 24 hours you are going to be filled with the Holy Spirit and in this new year you will be with God continuously you will be with Him continuously you will talk to Him you will sit with Him and you will get up and you will get आपके ऊपर इस पूरे 2022 में 24 घंटे बना रहे गॉड इज गोइंग टू मेक यू एंड यूर होम एस होली होम

और आपके जवान दर्शन देखेंगे और वो भविष्यवाणी करने पाएंगे ऑल द सिंफुल अडिक्शन आर गोइंग टू बी ब्रोकन ऑल ऑफ यूर चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड यूर फैमिली मेंबर्स आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम द सिफुल एडिक्शन ग्रेट शैल बी दीस ऑफ यूर चिल्ड्रन से इस तेलॉर और आपके परिवार में बच्चों के अंदर अगर कोई पाप से भरी हुई आदत है आपके परिवार के लोगों में अगर कोई पाप से भरी हुई आदत है हर वो पाप से भरी हुई आदत यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़कर चली जाएगी और परमेश्वर हर एक को छुटकारे से भर देगा थैंक यू जीसस फॉर ऑल आवर प्रेयर इन जीसस नेम धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए और सुनने के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं Amen. 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 Amen.